क्लासेस, माय नेम इज रोहिणी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपको मार्केट का रेडी प्रीमिक्स यूज करके चॉकलेट केक स्पॉन्ज कैसे रेडी करना है, वो भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, परफेक्ट रेशियो के साथ वो दिखाऊंगी। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मार्केट स्टाइल चॉकलेट केक प्रीमिक्स लिया है 330 ग्राम, 330 ग्राम। ऑयल लेना है 3 टेबल स्पून, ये मैंने रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल लिया है, और पानी। यहाँ पे मैं चॉकलेट केक बेस बनाने के लिए जो प्रीमिक्स और पानी है वो ग्राम्स में मेजर करके लेने वाली हूँ। केक परफेक्ट रेडी होने के लिए उसका जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट आना ज़रूरी है। ग्राम्स में जब हम मेजर करते हैं तो जो रेसिपी है वो परफेक्ट रेडी होती है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको वैनिला स्पॉन्ज जो है वो कप्स में मेजर करके दिखाऊंगी। यहाँ मैंने वेविंग्स के लिया है, इसके ऊपर ये 3 बटन्स रहते हैं, ऑन ऑफ, मोड और टेयर। इसका ऑन का बटन दबाना है। इसके ऊपर हमें जिस बाउल में हमें केक का बैटर मिक्स करना है वही बाउल रखना है, थोड़ा बड़ा बाउल रखना है। और ये टेयर का जो बटन है वो प्रेस करना है। तो यहाँ ये 0 आ गया। 0 आने के बाद इसके अंदर हमें डालना है प्रीमिक्स। 1/2 kg का स्पॉन्ज रेडी करने के लिए हमें चाहिए 330 ग्राम प्रीमिक्स, 330 ग्राम प्रीमिक्स। इससे 1/2 kg का केक स्पॉन्ज रेडी होता है। उस पे 1/2 kg क्रीम यूज करना है और आइसिंग करके ये केक 1 kg का रेडी हो जाएगा। 1-2 ग्राम इधर उधर हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर अब हमें ऐड करना है पानी। पानी भी मैं ग्राम्स में ही मेजर करके लेने वाली हूँ और वो मैं इसी सेम बाउल में मेजर करूँगी। आप दूसरे बाउल में अलग से पानी मेजर करके वो बाद में इसमें ऐड कर सकते हो। फिर से टेयर का बटन दबाना है तो यहाँ 0 आ जाएगा। 0 आने के बाद हमें इसमें डालना है 180 ग्राम पानी। पानी हमें 1-2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा भी लग सकता है, वो हर एक प्रीमिक्स के ऊपर डिपेंड होता है। प्रैक्टिस के बाद आपको उसका अंदाजा आ जाएगा, आपको इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है। अब ये हमारा मेजरमेंट हो गया है, अब हमें इसे मिक्स करना है। बैटर मिक्स करने के लिए मैं यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ। आपने हैंड विस्कर का यूज़ किया तो भी चलेगा, लेकिन बैटर आपको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्ट बीटर ऑन नहीं करना है, तो जो पाउडर है प्रीमिक्स का इधर उधर उड़ जाएगा। थोड़ा सा इसको पहले इसे मिक्स करना है और बाद में ही हमें बीटर ऑन करना है, और हाई स्पीड पे हमें इसे 2 मिनट अच्छे से फेंटना है। बैटर को मैंने 2 मिनट अच्छे से फेंटा है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑयल। यहाँ पे मैंने ये रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल यूज किया है। ऑयल हमें कौन से भी फ्लेवर या स्मेल वाला नहीं यूज करना है। ऑयल डालने के बाद इसे थोड़ा सा ऐसे मिक्स करना है और फिर से हमें 1 मिनट इसे अच्छे से फेंटना है। टोटल मैंने इस बैटर को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फेंटा है। यहाँ पे मैंने 7 इंच के टिन को नीचे से बटर पेपर लगा के साइड से ऑयल से ग्रीस करके रेडी करके लिया है। इसके अंदर अब हमें रेडी बैटर डालना है। यहाँ पे आप 8 इंच का टिन भी यूज कर सकते हो, वो परफेक्ट है। लेकिन केक में अगर आपको थोड़ी सी हाइट ज़्यादा चाहिए तो आप 7 इंच का टिन यूज़ कीजिए। टिन में डालने के बाद बैटर को स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड करना है। इस टिन को अच्छे से टैप करना है। बेकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट टिप ये है, जो केक का रेडी बैटर है वो टिन में डालने के बाद उसे तुरंत बेकिंग के लिए रखना है। इसलिए केक का बैटर रेडी करते समय ही मैंने बर्तन को गैस पे प्रीहीट होने के लिए रखा था। अब मैं इसे 30 से 35 मिनट तक बेक करूंगी। ओटीजी या माइक्रोवेव में बेक कर रहे हो तो प्रीहीटेड ओटीजी या माइक्रोवेव में 180 डिग्री पे इसे 30 से 35 मिनट तक बेक करना है। केक को प्रॉपर कैसे बेक करना है इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो आप चेक कर सकते हो। अब ये रेडी टिन को प्रीहीटेड बर्तन में हमें रखना है। इसके ऊपर आप ढक्कन रख देना है। एक बार ऊपर से ढक्कन रखने के बाद इसे बार बार नहीं खोलना है। इसे अब हम डायरेक्ट 20 से 25 मिनट बाद एक बार चेक करेंगे। गैस की फ्लेम लो रखनी है।
बार बार खोल के देखने से केक अच्छे से बेक नहीं होगा, अच्छे से फूलेगा नहीं। अब 20 मिनट हो गए हैं, मैं इसे एक बार चेक करके देखती हूँ। इसके बीच में अभी टूथपिक डाल के देखना है, बैटर टूथपिक को लगा है, मतलब ये केक अभी तक बेक नहीं हुआ है। इसे मैं अभी 10 मिनट तक और बेक करती हूँ और बाद में आपको दिखाती हूँ। अब टोटल 30 से 35 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसे चेक करके देखती हूँ। आप देख सकते हो टूथपिक एकदम क्लीन निकल आया है, मतलब ये हमारा केक बेक होके परफेक्ट रेडी है। अब गैस को बंद करना है और टिन को बाहर निकालना है। इस केक को हमें ऐसे ही 20 से 25 मिनट तक टिन में ही ठंडा होने देना है। आप इसे गरम गरम तुरंत डिमोल्ड करोगे तो ये केक टूटेगा। अब इसके ऊपर ऐसे एक साफ नैपकिन डाल के रखना है। अब ये ठंडा होने के बाद मैं आपको इसे दिखाती हूँ। केक पूरी तरह ठंडा हो चुका है, अब हम इसे डिमोल्ड करते हैं। इसके ऐसे साइड्स लूज करने हैं, उसके बाद इसके ऊपर ऐसे प्लेट रखना है और टिन को उल्टा करना है। टिन को उठाना है, आप देख सकते हो केक कैसे एकदम परफेक्ट बेक होके रेडी है। अब ये हमारा बेकरी स्टाइल मार्केट स्टाइल चॉकलेट केक स्पॉन्ज आइसिंग करने के लिए परफेक्ट रेडी है। तो अब ये हमारा 1/2 kg का स्पॉन्ज रेडी हो गया है। 1/2 kg केक स्पॉन्ज के लिए 1/2 kg व्हिपिंग क्रीम यूज करना है, तो उससे आइसिंग करने के बाद 1 kg का रेडी केक तैयार हो जाएगा। अगर आपको 1/2 kg केक बनाना है तो आपको यही मेजरमेंट 1/2 लेना है, मतलब अगर आपने ये मेजरमेंट 1/2 लिया तो उससे 1/2 kg का केक स्पॉन्ज रेडी हो जाएगा। उस पर आपको 1/2 kg व्हिपिंग क्रीम यूज करनी है, तो आइसिंग करने के बाद आपका केक रेडी हो जाएगा 1/2 kg का। नेक्स्ट सेशन में यही स्पॉन्ज यूज करके हम बनाएंगे ब्लैक फॉरेस्ट केक। फ्रेंड्स, ये केक आप जरूर ट्राई कीजिए और आगे मैं आपके लिए अलग अलग केक के फ्लेवर्स और नए नए डिजाइन लेके आऊंगी। तब तक के लिए आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।